नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि खबर में हर जगह छाए हैं नमो नमो नमो। गोवा में नमो नाम का जाप हो रहा है, तो कांग्रेस दिल्ली में चुटकी लेकर कह रही है कि गोवा में नमो नाइटिस नाम की बीमारी हो गई है। इसके लक्षण निमोनिया जैसे हैं और उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को सलाह दी है कि वो इस बीमारी को जल्दी अपने इलाके से भगाएं। उनका ये भी कहना है कि मोदी अगर देश में आते हैं तो देश का कबाड़ा हो जाएगा। बड़ी बहस हमारी तमाम मुद्दों पर होगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि गोवा में जो पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी और जो राज्य के पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, माफ कीजिएगा। और उस बैठक के खत्म होने के साथ ही ये खबरें भी बाहर आ रही हैं कि लोगों ने वहां पर ये बात जबरदस्त ढंग से की है, जबरदस्त मांग की है कि जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री पद पर या कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद पर उठ रहे भ्रम को शांत किया जाए। लेकिन जितने में उतनी बातें, यही कुछ सुनाई दिया आज हमको गोवा में। जो लोग गोवा में नरेंद्र मोदी के राज तिलक की आस लगाए बैठे हैं, उनके दिल की धड़कनें अब बेकाबू हो रही होंगी। पणजी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से ठीक पहले जिस तरह से एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के बीमार होने का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे अटकलों का बाजार गर्म है कि कहीं मोदी के खिलाफ बीजेपी में बगावत का वायरस तो नहीं फैल रहा। ये सवाल इसलिए भी सिर उठा रहा है क्योंकि लंबे समय से मोदी के खिलाफ मोर्चा बंदी करते दिख रहे लाल कृष्ण आडवाणी अभी गोवा नहीं गए हैं। आडवाणी की सेहत ठीक नहीं है। बीजेपी में हाल ही में उपाध्यक्ष बनी उमा भारती ने भी बीमारी का हवाला देकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से छुट्टी मांग ली है। पार्टी के महासचिव वरुण गांधी भी कार्यकारिणी की बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं। वो अपनी नवजात संतान के निधन के बाद से ही राजनीतिक गतिविधियों से दूर हैं और फिलहाल अपनी पत्नी के साथ विदेश में हैं। राज्यसभा में बीजेपी के उपनेता रविशंकर प्रसाद भी गोवा से गायब हैं। कार्यकारिणी सदस्य जसवंत सिंह भी बीमारी के चलते गोवा नहीं जा रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा भी शुक्रवार तक गोवा नहीं पहुंचे थे। बीजेपी ने फिलहाल आडवाणी की गैर मौजूदगी पर सफाई दे दी है कि वो शनिवार को गोवा पहुंच जाएंगे। सीनियर लीडर्स में अभी उमा भारती जी ने रिटर्न में दिया है कि वो बीमार होने के कारण नहीं आ रहे हैं। शेष लोगों के बारे में कल जब मीटिंग प्रारंभ होगी तब ये क्लियर होगा कि कौन आया कौन नहीं आया। ज्यादातर बीजेपी नेताओं ने बीमारी की वजह से कार्यकारिणी की बैठक से दूर रहने की मजबूरी गिनाई है, जिसे कांग्रेस बीजेपी के अंदरूनी राजनीति का रोग बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने इसे नाम दिया है नमो नाइटिस। ने कहा कि नई बीमारी फैला हुआ है शायद गोवा में, तो गोवा का मुख्यमंत्री जी को मैं सलाह दे रही हूँ कि इसको बीमारी शायद निमोनिया का जैसा नमोनाइटिस कुछ होगा, तो इलाज जल्दी करवाए, नहीं तो टूरिज्म पे असर पड़ेगा गोवा में। बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ज्यादातर गैर हाजिर नेता या तो मोदी के विरोधी हैं या फिर बीजेपी में अपनी अहमियत कम होने से नाखुश हैं। माहौल में सस्पेंस बढ़ाने में बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी ने अब तक इस सवाल पर रहस्य की चादर डाल रखी है कि क्या गोवा में मोदी को चुनाव अभियान का प्रभारी बनाने का ऐलान होगा। भाजपा देश की जनता की भावनाओं को भी समझती है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझती है। जो भी उचित फैसला होगा उचित समय पे आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा। क्या मोदी आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे? एक नहीं कई बार बताया जा चुका है कि इस विषय पे अंतिम निर्णय संसदीय बोर्ड ही लेगा। अब समझ में नहीं आता कि बीजेपी प्रतीक्षा किसे करने को कह रही है। बीजेपी के तमाम नेता मोदी के समर्थन या विरोध में खुलकर बोल रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आदित्यनाथ का विचार जानना चाहता हूँ कि अगर उनका उनको व्यक्तिगत तौर पे चूज करना पड़े। मैंने कहा ना, हमने कह दिया ना कि अटल जी और अडवाणी जी की जो जोड़ी थी आज वो अडवाणी जी और मोदी जी की जोड़ी बननी चाहिए। तो व्यक्तिगत तौर पे आप किसको प्रीफर करेंगे? मतलब किसी को मैंने करना नहीं। मैंने कह दिया ना भाई, अडवाणी जी स्वाभाविक रूप से अटल जी का स्थान लेंगे। मुझे
मैं नैया कितने लोग कर सके हैं इसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बोल सकता हूँ आज के तारीख में मेरे ओपिनियन से मुझे जो फीडबैक मिल रहा है वो उससे नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट है। अब एक बात तो साफ है कि बीजेपी के अंदर मोदी को लेकर पूरी तरह खलबली मची हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 8 और 9 जून को कार्यकारिणी में माथापच्ची के बाद मोदी की नई भूमिका का ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये सवाल बीजेपी आला कमान को परेशान करेगा कि क्या वाकई बीजेपी को नमोनाइटिस हो गया है। पणजी में यतेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सबसे पहले चलते हैं सीधे गोवा, क्योंकि गोवा की इस बैठक में क्या निकला है। 3 बजे से लेकर 8 बजे तक यानी लगभग 5 घंटे बैठक चली है, जिसमें तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें राज्यों के जो प्रमुख होते हैं वो मौजूद थे, संगठन मंत्री मौजूद थे। और इस बड़ी बहस के अंदर क्या निकला, गोवा में क्या चिंतन हुआ, क्या मनन हुआ, क्या सोचा, क्या रणनीति तय हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी यतीन्द्र शर्मा। यतीन्द्र, क्या खबर निकल कर बाहर आ रही है, क्योंकि ऑफिशियल ब्रीफिंग तो इसकी कुछ हुई नहीं है अभी। देखिए, ये तो आज पहली बैठक का पहला दिन जो शुरू हुआ था बैठक का, काफी बीजेपी के लिए काफी पशोपेश भरा रहा, काफी मुश्किल भरा साबित पहले दिन से हो रहा है। पहले दिन ही आडवाणी की नाराजगी की खबर आई और उसके बाद सुषमा भी इस मीटिंग में लेट पहुंची, जिसकी वजह से मीटिंग की 3 की जगह 4:15 बजे शुरू हुई, क्योंकि सुषमा का मानना था कि आडवाणी को जो मनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी आला कमान की तरफ से, वो कोशिश नहीं की, इस वजह से सुषमा को नाराज बताया जा रहा था। लेकिन हालांकि 4:15 बजे सुषमा को मनाकर बैठक में लाया गया और इसके बाद कुछ नेताओं ने, जो अंदर के हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से अनुरोध किया कि इस संबंध में जल्द से जल्द जो पीएम पद को लेकर जो कंफ्यूजन बना हुआ है वो जल्द से जल्द दूर होना चाहिए। और इसके जवाब में जो पार्टी अध्यक्ष है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि उनको सारी बातें पता है और उसी पर उचित फैसला लिया जाएगा, यानी कि वही एक रटा रटाया जवाब उन्होंने उस मीटिंग में भी दिया। हालांकि कुछ नेताओं ने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि जल्द से जल्द फैसला हो। तो एक नक्सलवाद को लेकर भी नरेंद्र मोदी उस बैठक में थे, उन्होंने एक सुझाव दिया कि नक्सलवाद शब्द की जगह माओवाद शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि नक्सलवाद और माओवाद के दोनों के मायने बहुत अलग अलग हो जाते हैं और इससे पार्टी को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है टेक्निकल रूप से। तो ये अभी फिलहाल खबरें निकल कर आई हैं जिस पर पार्टी का रिएक्शन होना बाकी है। जी, बहुत संक्षेप में यतीन्द्र, क्या गोवा से निकलते निकलते ये तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के चीफ है? देखिए, अभी तक संकेत जो मिल रहे हैं वो यही है कि जो कैंपेन कमेटी है उसका अध्यक्ष जो चेयरमैन बनेगा वो मोदी के नाम पर फिलहाल कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आडवाणी की तरफ से एक जो सम्मति मिल रही है वो इसी शर्त के आधार पर मिल रही है कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का भी एक निर्णय लिया जाना चाहिए, एक समिति और बनाई जानी चाहिए, उसको लेकर आलाकमान पशोपेश में राजनाथ सिंह अभी तक उस पर डिसीजन नहीं कर पाए। लेकिन जहां तक मोदी की इलेक्शन कैंपेन कमेटी की बात है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अब जो आडवाणी की तरफ सामने आई है उसको देखकर और जो दूसरे जो वरिष्ठ नेता है वो ऑफ द रिकॉर्ड यही बोल रहे हैं कि फिलहाल ये मामला चल सकता है और हो सकता है कि जो लास्ट दिन की बात कही जा रही थी बार बार कि उस दिन ये फैसला हो सकता है आने वाले दिनों के लिए भी फैसला टाल दिया जाए फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यतीन्द्र। सीधे चलते हैं गोवा, हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शाबिर अली साहब, वरिष्ठ पत्रकार और नई दुनिया के ग्रुप संपादक श्रवण गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तीनों से हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से शकील अहमद साहब जुड़ने वाले हैं, उनका भी हम इंतजार करेंगे। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, सबसे पहले आपके पास सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी मांग उठी है बैठक के अंदर कि प्रधानमंत्री पद को लेकर भ्रम को साफ किया जाए, क्या ऐसी कोई मांग बैठक के अंदर उठी है? देखिए, आज पदाधिकारियों की बैठक थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी सम्मिलित थे, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई और उन सब बातों में भविष्य की रणनीति को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई, अनेक प्रकार के सुझाव आए और उन सब सुझाव में एक ये सुझाव भी संभव है, इस प्रकार का सुझाव आया हो तो स्वाभाविक है कि ये तो पार्टी को अंततः गत्वा सही समय पर सही रणनीति के आधार पर निर्णय करना ही है, तो कार्यकर्ताओं के सुझाव का स्वागत है, ये प्लेटफॉर्म है इस प्रकार के सुझाव देने का। बिल्कुल, आप तो प्रवक्ता भी हैं कैप्टन अभिमन्यु, आप दम ठोक कर कह सकते हैं कि हाँ पार्टी की तरफ से ये सुझाव आया है, तो मैं मानूं ये सुझाव आया है कि
सदस्यों ने या पदाधिकारियों ने वहां पर मांग की कि पीएम को लेकर जो भ्रम की स्थिति है, जो तरह तरह के बयान हो रहे हैं, जो बाकी सब कुछ चीजें हो रही है वो साफ हो, और क्या इसको लेकर पार्टी हाईकमान ने कोई भरोसा जताया है, भरोसा दिलाया है? माफ कीजिएगा दीपक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सीधे सीधे पीएम शब्द को लेकर के या प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के कोई सुझाव नहीं था। वो सुझाव था कि हमारी 2014 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को हमें जल्दी से उसके बारे में हर प्रकार के भ्रम को समाप्त करके और उस रणनीति को तय करके हमको मैदान में उतरना चाहिए। तो अगर स्पेसिफिकली आप पूछते हैं कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर भ्रम दूर करने का कोई विषय है तो मैं क्षमा चाहता हूं, इस प्रकार का कोई सुझाव यहां पर नहीं आया। लेकिन ये तो आया कि जितने भी भ्रम है 2014 में, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा भ्रम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और उम्मीदवारी को लेकर है, ये तो मानेंगे ना कैप्टन अभिमन्यु आप? दीपक जी, 100 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित हैं और लगभग सभी ने किसी न किसी प्रकार के सुझाव पार्टी के हित में और देश के हित में वहां पर दिए हैं, और सुझाव देना ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रणाली का एक अंग है, और इसके अलावा अतिरिक्त और भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और इन सब सुझावों पर चर्चा होगी, अगले 2 दिन और चर्चा होगी। और हमारी जिस प्रकार की पार्टी की है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तो चर्चाओं का दौर चलता रहेगा, विचार विमर्श के आधार पर ये पार्टी आगे बढ़ती है, देश के लिए काम करती है। बिल्कुल विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता वक्त की कमी है? 4 राज्यों के चुनाव सामने पड़े हुए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का काफी कुछ दांव पर है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और जैसे ही वो चुनाव खत्म होंगे आम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में वक्त बचा ही कहां है कि विचार किया जाए, भोजन, बैठक, विश्राम, चिंतन, ये सब एक साथ किया जाए? दीपक जी, वक्त की कहीं कोई कमी नहीं है। अभी अगर लोकसभा चुनाव सरकार अगर पहले कराना चाहती है तो सरकार हिम्मत करे, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, हम अपनी रणनीति को तय करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक परिवार की पद्धति से सब प्रमुख नेता मिल बैठ करके कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके निर्णय में सही रणनीति का सही समय क्या होगा ये सब मिल बैठ करके तय अवश्य करेंगे। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है वो आज हमारे सामने पहली प्राथमिकता है, उसकी तैयारियों को लेकर के बहुत गंभीर मंथन और बहुत गंभीर चर्चाएं आने वाले 2 दिनों में निश्चित तौर पर होंगी। 2014 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव से भी हमारी निगाहें हटी नहीं है, हमारा निशाना पूरी तरह से मछली की आंख पर लगा हुआ है। आप निश्चिंत रहे, देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हम समझते हैं कि वर्तमान की इस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को से छुटकारा दिलाने के लिए जो देश भाजपा से और एनडीए से अपेक्षाएं कर रहा है, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सभी मिलकर के इस कांग्रेस की और यूपीए की भ्रष्ट सरकार से निजात दिलाने की अपने धर्म का निर्वहन हम जरूर करेंगे। बिल्कुल धर्म का निर्वहन करेंगे, लेकिन कैप्टन साहब मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं, आप हमारे आज के सबसे ऑनरेबल गेस्ट है क्योंकि आप सीधे मीटिंग से आ रहे हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा खबरें आपके पास है। ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई भरोसा हाईकमान की तरफ से, राजनाथ सिंह जी की तरफ से दिलाया गया कि नहीं नहीं कैंपेन कमेटी हम जल्दी अनाउंस करने जा रहे हैं, या राज्यों के लिए अलग से कैंपेन कमेटी होगी, केंद्र के लिए अलग से कैंपेन कमेटी? दीपक जी, आपकी जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। मैं तो एक अदलासा कार्यकर्ता हूं और गोवा में मौसम बड़ा खुशगवार है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बड़े आनंद से आपके चैनल पर हूं। आप बाकी पैनलिस्ट के साथ भी बात करें। जहां तक माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनेक सुझावों को जो भी कार्यकर्ताओं की तरफ से आए उन्होंने उन सब सुझावों को नोट किया और भविष्य में उन सुझावों पर समय समय पर जैसी आवश्यकता होगी उस पर अमल करने का विश्वास भी कार्यकर्ताओं को दिया। चलिए सीधे चलते हैं श्रवणगढ़ जी के पास। श्रवणगढ़ जी, अगर बीजेपी का कार्यकर्ता गोवा के अंदर ये मांग करता है, नेता गोवा के अंदर ये मांग करता है कि प्रधानमंत्री पद या नेतृत्व या लीडरशिप को लेकर भ्रम की स्थिति दूर हो, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। कम से कम देश में ऐसा माहौल बन गया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में तो कम से कम होगा ही। निश्चित रूप से ये तय होना है गोवा में और इस चीज को टाला नहीं जा सकता। मोदी जी तय करके गए हैं गोवा में कि उनके भविष्य के बारे में
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गोवा में फैसला कर ले अंतिम रूप से। इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गोवा में तय करता है तो भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ होने वाली है, और अगर नहीं करता है तो भी भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ होने वाली है। दोनों स्थितियों में केवल एक फर्क यह है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति हो जाती है तो उसके साथ विपक्ष भी दो फाड़ होने वाला है। तो गोवा की जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही निर्णायक होने वाली है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बिल्कुल तने हुए हैं और वो बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, पूरा देश बीमार पड़ रहा है उनके साथ। तो इसलिए ये गोवा की जो बैठक है उसकी जो भाषा है और जिस तरह से ये लोग डिफेंसिव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने कभी पिछले तमाम वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी दुविधा में और इतने तनाव में नहीं देखा होगा जैसी की स्थिति आज है। तो नरेंद्र मोदी गोवा पहुंचे ही इसलिए हैं कि बंबई के बाद और दिल्ली के बाद अब गोवा को आगे नहीं सरकाया जाए, और चार राज्यों के चुनावों की पूर्व संध्या पर उनके भविष्य पर सील लगाई जाए कि वो कैंपेन कमेटी के चीफ होंगे कि नहीं और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही निर्णायक क्षण है ये, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप निश्चित रूप से मानिए कि ये जो घमासान है दिल्ली आकर और बढ़ने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लंबी सफाइयां देना पड़ेगी। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं यूपीए को लेकर, देश के भविष्य को लेकर, वो सारी चीजें बेईमानी हैं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की असलियत उजागर हो रही है, तो मेरा ये मानना है। और दूसरा पॉइंट यह है कि जो बार बार कहा जा रहा है आडवाणी को लेकर, क्या ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि आडवाणी वास्तव में प्रधानमंत्री पद चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। दो चीजें हैं कि आडवाणी प्रधानमंत्री पद खुद के लिए चाहते हैं, और दूसरा ये कि आडवाणी नहीं चाहते कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। दोनों स्थितियों में फर्क है। अगर मोदी का विरोध आडवाणी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि आडवाणी स्वयं उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। मोदी का प्रधानमंत्री पद को घोषित किया जाना कांग्रेस की मर्जी का पालन होगा। आप कुछ कह रहे हैं चौरसिया जी? आप कुछ कह रहे हैं? मैं कैप्टन अभिमन्यु जी के पास जाना चाहता हूँ। कैप्टन अभिमन्यु जी, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तीन बड़ी बातें कही है। आप मोदी को घोषित कर दे तो एक तरफ कुआ है, और न करे तो खाई है। मोदी को घोषित करते हैं तो कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट उसके बाद कांग्रेस के पास चला जाएगा। और तीसरा, कोई आडवाणी जी से ये तो जाके पूछे कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, सिर्फ मोदी को रोकना चाहते हैं। देखिए, मैं किसी की कल्पनाओं के आकाश में विचरण को रोक नहीं सकता हूं, और बड़े सम्मान पूर्वक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की बैठक में वातावरण बहुत खुशगवार है। बहुत अच्छे भाव से सब मिल करके आज चर्चा कर रहे हैं, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल चिंता न करिए। भारतीय जनता पार्टी जो भी कोई निर्णय करती है वो मिलजुल करके सामूहिकता के सिद्धांत पर कार्य करती हुई उन निर्णय को करती है, और हमारे इतिहास में कभी भी भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई स्प्लिट नहीं हुआ। तो उस प्रकार की संभावनाओं को तो सोचना भी, या कोई जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग माननीय श्रवण जी ने किया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो कहीं भी वो आकलन उनका, मैं सामान्यतः उनके आकलन का बड़ा सम्मान करता हूं, पर यहां पर उनका आकलन पूरी तरह से शायद गलत पाया मैं पाता हूं उसको। जहां तक श्रद्धा आडवाणी जी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उन्होंने अपने हाथों से तराशे हैं, और उनको मुख्य रूप से उन्होंने इस देश के लिए हमेशा काम किया है, और उनका यही प्रयास होगा कि किसी भी प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए इस यूपीए को, देश की सरकार जो यूपीए की चल रही है, किस प्रकार से इससे निजात दिलाई जा सके। इसके अतिरिक्त उनकी और कोई मंशा नहीं है। व्यक्तियों को लेकर के कोई जितनी भी चर्चाएं आप करते हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, वो चर्चा बेमानी है।
ये बैठक से बहुत कुछ अच्छा निकलेगा, मंथन से अमृत निकल करके आएगा और जो भाजपा के लिए भी होगा और देश के लिए भी अमृत होगा। अगर किसी को चिंता है, अगर किसी को तकलीफ है तो वो तकलीफ कांग्रेस के नेताओं को हो सकती है, यूपीए की इस भ्रष्ट सरकार को हो सकती है। आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने से ये देश फिर से, जैसे अटल जी की सरकार के कार्यकाल में ये आगे बढ़ रहा था, फिर से उसी मार्ग पर ये देश आगे बढ़ेगा। फिर से उसी मार्ग पर बढ़ेगा, लेकिन चिंता शाबिर अली के पास भी है। शाबिर अली साहब, मांग उठ रही है बकायदा बीजेपी के अंदर और कांग्रेस कह रही है बीजेपी को नमो नाइटिस हो गया है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? अब तो नरेंद्र मोदी आने वाले और आपके जाने का वक्त हो गया है। ऐसा है दीपक जी, किसी के आने से, किसी के जाने से पार्टी जो भी है, हम लोग जनता दल यूनाइटेड एनडीए के बहुत पुराने घटक रहे और हमारी पार्टी, हमारी जो अपनी नीति है वो साफ साफ शब्दों में, जब ही साथ में सरकार थे, साथ में सरकार में नहीं है तो भी जहां भी रहे हमने अपनी बातों को, अपने एजेंडा को, अपने सहयोगी को बड़े साफ शब्दों में कहा, कहीं हम लोगों ने दांव पेच नहीं रखा। और कौन सी बीमारी आई है, कौन सी नहीं है, भाई ये शायद दूसरे लोग टिप्पणी करें, ये हमको शोभा नहीं देता। और मैं शब्दों के साथ नहीं खेलना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि हमारे जहन पर, हमारे पार्टी पर किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। हमारी पार्टी जहां है बड़ी मजबूत है और जो कमी होगी उसको अभी ठीक करने के लिए हमारे पास 10 महीने का समय है, इसलिए हमारे पार्टी को कोई चिंता नहीं है। हमारी पार्टी बिहार प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम की है और नीतीश कुमार की अगुवाई में। हाँ, मेरा सवाल, आपने कहा 10 महीने का वक्त है, इसका मतलब जनता दल यूनाइटेड ने यह सोच लिया है कि मोदी का नाम कैंपेन कमेटी के चीफ के तौर पर सामने आते ही बीजेपी को टाटा बाय बाय कर देनी है। साफ जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में। देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा है दीपक जी, चूंकि मैं वो ऑथराइज नहीं हूं कि टाटा बाय करेंगे नहीं करेंगे, ये पार्टी डिसाइड करिए। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेरी बैठक दिल्ली में हुई थी, मैं मौजूद था, उस डायस पे था, वहां हमारी पार्टी ने जो तय किया है वो भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने कन्वे कर दिया है और साफ साफ शब्दों में नीतीश कुमार जी ने, मन से पूरे देश ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सब कुछ, कोई सी छिपी हुई बात नहीं है, सबको कन्वे कर दिया गया कि हमारे पार्टी का एजेंडा क्या है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अपना अलग हो सकता है, दूसरे पार्टियों का अलग हो सकता है, हमारे पार्टी का अलग हो सकता है और कॉमन एजेंडा अलग हो सकता है। मैं समझता हूं हर पार्टियों को अधिकार है अपने एजेंडा सेट करने के लिए। हमारे पार्टी ने एजेंडा सेट करके हमारे एलाइज, जो बड़ी एलाइज है भारतीय जनता पार्टी को, उसको कन्वे किया हुआ है, इसलिए हमारे माथे पे शिकन नहीं है। और ना ही क्या एजेंडा सेट किया कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, क्या एजेंडा सेट किया कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए? दीपक जी हमारे पार्टी ने जो एजेंडा सेट किया है पूरा हिंदुस्तान का एक एक जनता जानती है। और बहुत सी ऐसी बात है, लास्ट बहुत दिनों से 6-7 मैं नहीं जानता, मुझे बता दीजिए, देश जानता। अरे शाबिर अली साहब, मैं नहीं जानता, मुझे बता दीजिए। मैं नहीं समझता दीपक जी, आप सबसे ज्यादा जानते हैं। मैं नहीं जानता, मुझे बता दीजिए। ग्राउंड में आपने कैप्टन अभिमन्यु भी नहीं जानते, उनको भी बता दीजिए। श्रवण जी भी नहीं जानते। दीपक जी, उस मैं उस तपिश में आपके साथ बैठा था और उस वक्त 42 डिग्री में आप धूप के एकदम बिल्कुल खुले छांव में आपने किया, वही उसी मन से नीतीश कुमार जी कहे थे, आप उसको लाइव दे रहे थे, लाइव आप ही की चैनल काट रही थी। आपको ज्यादा पता है, मुझसे ज्यादा पता है और मैं उसका साक्षी हूं, मैं आपके साथ बैठा था। नहीं, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है इसलिए मैं भूल गया, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ये तो तैयारी करके बैठे हैं कि 10 महीने बाद अकेले ही लड़ना है इनको, क्योंकि नमो का नाम तो सामने आ रहा है नरेंद्र मोदी का। दीपक जी, मैं आपको भरोसा दिलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दलियों के साथ में लंबा गठबंधन हमारा लंबे समय से निभाया है, सुख में, दुख में, कष्ट में,
हम साथ रहे हैं, हमने देश में सुशासन देने का काम किया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जैसे बीमार प्रदेश को हमने स्वस्थ करने का काम किया है। हम दोनों दल और पूरा एनडीए ये देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझता है और आपस में कहीं भी कोई विषय आते हैं हमने मिलकर के सुलझाने की कुव्वत है। हम पहले भी सुलझाए हैं और आगे भी सुलझा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दिखाया है कि हम अपने गठबंधन सहयोगियों को अपने साथ लेने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते, खरीद फरोख्त करने का काम नहीं करते। हम अपने सहयोगियों को भरोसे और विश्वास के साथ में लेकर के चलते हैं। तो आप आगे भी आपको कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन धर्म निभाना आता है, हम साथ लेकर के सबको साथ लेकर के आने वाले समय में एक ही लक्ष्य है कि इस भ्रष्ट यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे और ये जहां तक मैं आप पार्टियों के एजेंडा की बात होती है, हर पार्टी अपने एजेंडा पर काम करती है, हर पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत किसको क्या क्या जिम्मेदारी है वो उनके अंदरूनी निर्णय होते हैं और कहीं पर कोई ऐसा निर्णय है जो पूरे एनडीए को लेकर के साथ चलने का विषय है तो उसके ऊपर भी एनडीए के फोरम पर बात होगी, सही तरीके से सही समय पर सही पद्धति के आधार पर बातें होंगी। तो ऐसा आज ये अनुमान लगाना, आज इस प्रकार के कांग्रेस के लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, उनको जाना तय है, उनको 100 सीटें भी ये देश देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के लोगों की जमानत जब्त होने वाली है तो वो किसी भी प्रकार की कोई आशा ना करे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी से देश की जन भावनाओं का आदर करती हुई ये सुशासन देने वाली सरकार देने का संकल्प हमारा है जिससे हम इधर उधर नहीं हो सकते हैं। चलिए अगर आपका संकल्प है तो बिहार के लिए भी संकल्प है तो आप वादा कर दीजिए साबिर अली जी को कि नरेंद्र मोदी को ऐसी किसी जगह पर नहीं लाएंगे जिसके चलते इनको छोड़ के जाना पड़े। गलत टाइम पर ही टेक्नोलॉजी का लिंक टूटता है। इस वक्त कैप्टन अभिमन्यु के साथ हमारा लिंक टूट गया है, श्रवण गर्ग जी के साथ चलते हैं। श्रवण गर्ग जी, मामला इतना आसान है जितना कैप्टन अभिमन्यु समझा रहे? देखिए, मैं आपको एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। नई दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स की में जिस तरह से मोदी ने नीतीश कुमार को नजरअंदाज किया, नीतीश कुमार खड़े हुए बात कर रहे थे और नरेंद्र मोदी उनकी तरफ बगैर देखे हुए निकल गए। आप क्या मानते हैं कि बिहार में जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और जदयू का चलेगा? अगर मोदी बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं और बहुत बड़े नेता हैं और अगर वो जदयू की परवाह करते हैं और उस गठबंधन की परवाह अगर करते हैं तो अपेक्षा यह थी कि वो नीतीश कुमार के पास जाते, खासकर ऐसी स्थिति में जबकि महाराजगंज में जदयू के उम्मीदवार की हार हुई है। मुद्दा यह है कि महाराजगंज में जो हार हुई है जदयू के उम्मीदवार की, वह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की भी हार है। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए महाराजगंज में जदयू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं किया हो, पर चीफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाहर जिस तरह का संदेश नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दिया, उसके बाद इस तरह की अपेक्षा करना कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित किए जाने या कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, इस बात की दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है। तो यह मानकर चला जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से डरी हुई है वास्तव में वो नीतीश कुमार की स्थिति है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और जदयू भाजपा का गठबंधन अगर बिहार में टूटता है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि एनडीए का गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और नरेंद्र मोदी को अपने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में
पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी का वहन करना होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि वो एनडीए के साथ रहकर चलना चाहती है कि एनडीए के बिना चलना चाहती है, नरेंद्र मोदी के साथ चलना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप के दम पर चलना चाहती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कैप्टन अभिमन्यु भी हमारे साथ। श्रवण जी, इसका जवाब मैं सीधे सीधे शाबिर अली से लेना चाहूंगा। शाबिर अली जी, तय है श्रवण गर्ग जी की निगाह में, जो कि समूह संपादक है नई दुनिया के, कि अगर जो बॉडी लैंग्वेज विज्ञान भवन में देखने को मिली नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में, उसके बाद नीतीश कुमार किसी भी हालत में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद या फिर कोई और नए हालात पैदा होने के बाद अलायंस जारी नहीं रख सकते बीजेपी के साथ, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, श्रवण गर्ग जी ने कहा, ये उनकी अपनी सोच है और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं। लेकिन दीपक जी, नरेंद्र मोदी जी के विषय पे मैं इस वक्त नहीं समझता हूं कि बहुत टिप्पणी करने की जरूरत है। हम एनडीए के घटक दल हैं और नीतीश कुमार जी ने हमारे पार्टी का जो एजेंडा है कलेक्टिवली, वो एनडीए के अलायंस जो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसको कन्वे कर दिया गया। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं, और नीतीश कुमार जी की जो मंतव्य है, जो उनकी मनशा है, जो सोच है, उन्होंने भी कभी छुपा के नहीं रखा मीडिया के सामने या पार्टी के, हमारे अपने पार्टी के वर्करों के सामने। जब भी मौका मिला उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा। और जहां तक मैं नीतीश जी को समझता हूं, नीतीश जी एक ऐसे लीडर हैं इस देश में कि वो अपने संघर्ष पर किसी की बनाई हुई इमारत में प्रवेश नहीं किया। जो इमारत राजनीति की बनाई है उन्होंने खुद अपने से बनाई है और उसमें वो प्रवेश किए हैं। और सबसे बड़ी उनकी गुणवत्ता यह है कि जो बात वो कहते हैं उस पर वो अटल रहते हैं। ऐसा राजनीतिक जीवन में बहुत से कम लोगों के अंदर ये क्षमता मैंने देखी है। बड़ी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूंगा साबिर अली साहब कि 2002 के अंदर ये वही नीतीश कुमार है जो रेल मंत्री हुआ करते थे एनडीए सरकार में। 2002 में ही गोधरा में ट्रेन को जलाया गया था, उसके बाद पोस्ट गोधरा रॉइड्स हुए थे, तब उनका सेक्युलरिज्म कहां गया था, तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया उन्होंने? मैं अभी सेक्युलरिज्म की अगर परिभाषा पे बहस हो तो दीपक जी, मैं कह रहा हूं कि मैं किसी के साथ बैठ के बहस करने को तैयार हूं। और नीतीश जी उस वक्त रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री का सवाल पूछ रहा हूं, अगर बहस उस दिशा में जाती है तो मैं बहस करने को तैयार हूं। मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने, उनकी जो जिम्मेदारी थी एज ए रेल मंत्री, उन्होंने उस जिम्मेदारी की बड़ी खूबी से निर्वहन किया। और उस वक्त भी उनकी धर्मनिरपेक्षता उसमें कहीं ना कमी थी, और ना मैं समझता हूं आज भी। उस रिपोर्ट को उठाकर देखिए जो उनकी जिम्मेदारी थी, एक सेक्युलर लीडर की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से, और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वो काम कर रहे थे, न के किसी और के नेतृत्व में, जो उनकी जिम्मेदारी थी, बड़ी ईमानदारी, दयानतदारी और सेक्युलरिज्म की तरह निभाया था। चलिए, आप कह रहे हैं निभाया था, श्रवण गर्ग जी क्या मानना है, निभाया था नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी को, संक्षेप में थोड़ा? देखिए, इसमें मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार ने रेल मंत्री के रूप में जिम्मेदारी को निभाया या नहीं निभाया, या गृह मंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि नहीं निभाया, या प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि नहीं निभाया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो गोधरा कांड के बाद गुजरात की सरकार को बर्खास्त करने की बात क्यों नहीं सोची गई? गुजरात के दंगों के बाद इस तरह की बात क्यों नहीं सोची गई कि गुजरात में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है? और उस समय जब वाजपेयी जी मोदी जी को बता रहे थे कि राजधर्म का पालन नहीं किया गया, उस समय लालकृष्ण आडवाणी जी मोदी जी को बचाने में लगे थे।
तो सवाल कुल मिलाकर यह है कि हम सुविधा की राजनीति करना चाहते हैं और आज भी सुविधा की राजनीति ही की जा रही है। उस समय आडवाणी जी मोदी जी के संरक्षक थे, आज आडवाणी जी मोदी जी के विरोध में खड़े हुए हैं। उस समय भी कोई लॉजिक नहीं था और आज भी कोई लॉजिक नहीं है। तो इसमें मैं निश्चित रूप से साबिर अली की इस बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार के इस्तीफे का उस समय कोई प्रश्न नहीं उठता था। नीतीश कुमार का उससे कोई लेना देना नहीं था। नीतीश कुमार का कर्तव्य तो उस समय यह था कि एक दुर्घटना के बाद रेल मंत्री को जो कर्तव्य निभाना चाहिए वो उन्होंने निभाया था, और एक रेल मंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है, काफी लोगों से अच्छा रहा है। इससे नीतीश कुमार के कार्यकाल पर या उनके सेक्युलर सोच पर या जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से वो उपजे हैं, जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया है, यानी आश्चर्य की बात तो यह है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ये तीनों बिहार आंदोलन की उपज हैं, पर आप देखिए कि नीतीश कुमार आज कहां खड़े हैं और लालू यादव आज कहां खड़े हैं। तो इसलिए मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं और साबिर अली जी के साथ हूं मैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए था। ये मुद्दा इस आज की जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि दो बड़ी खबरें आ रही है मेरे पास इस वक्त, दो बड़ी खबरें आ रही है मेरे पास इस वक्त, और कैप्टन अभिमन्यु मेरे साथ साबिर अली साहब जुड़े हुए हैं, श्रवण जी जुड़े हुए हैं, दोनों को मैं खबर बताऊंगा। पहली खबर यह है कि अभी अभी ये घोषणा हुई है कि ये तय नहीं हुआ है कि लालकृष्ण आडवाणी कल सुबह 10 बजे गोवा के लिए उड़ेंगे या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत की परीक्षण करेंगे डॉक्टर, उसके बाद वो उड़ेंगे। राजनाथ सिंह से जो उनकी बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने राजनाथ सिंह को एश्योर किया था कि वो कल नेशनल एग्जीक्यूटिव से पहले किसी भी हालत में गोवा पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा होना फिलहाल मुश्किल दिखाई देता है। यानी परिवार का झगड़ा और बढ़ गया है। ये झगड़ा क्यों बढ़ा है मैं आपको बताऊं, क्योंकि सुषमा स्वराज ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कि आपने लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिश नहीं की है, ये गलत है। अगर नरेंद्र मोदी को कोई भी पद दिया जाना है तो उसकी घोषणा लालकृष्ण आडवाणी ही करेंगे और लालकृष्ण आडवाणी फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं दिखाई देते। सुषमा स्वराज ने यह भी कहा है कि आडवाणी जी के नहीं होने तक इस पर किसी भी तरह का विचार नहीं होना चाहिए। हमारे सहयोगी यतीन्द्र शर्मा हमारे साथ गोवा से जुड़ गए हैं। यतीन्द्र, क्या जानकारी मिल पा रही है गोवा में और क्या कहा है सुषमा स्वराज ने? यतीन्द्र, मेरी आवाज सुन पा रहे? दोबारा कनेक्शन लेते हैं। पहला रिएक्शन कैप्टन अभिमन्यु से। अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, नमोनाइटिस नाम की बीमारी अब फैल चुकी है, आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता भीष्म पितामह वो नाराज हैं आपकी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उससे, अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है, सुषमा स्वराज ने बकायदा इसको गोवा में कम्युनिकेट कर दिया है? कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है और मैं यहीं पर गोवा में बैठा हूं। एज दोनों आपने जो अभी बड़ी खबर कह करके जो सुनाया है दोनों गलत है, मनगढ़ंत है, इसमें कोई दम नहीं है। और 85 वर्ष की आयु के श्रद्धेय आडवाणी जी के स्वास्थ्य को लेकर के जहां चिंता करनी चाहिए वहां उसको राजनीति में घसीटने का प्रयास, ये भी मैं कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। पर जहां तक सुषमा जी का, मैं ठीक 15 मिनट पहले उनके साथ ही था, इस प्रकार की कोई बात उनकी तरफ से नहीं आई है और ये पूरी तरह से सेंसेशनल एक जर्नलिज्म करने का प्रयास है, इसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको दीपक जी ये भी कहना चाहूंगा, को अगर कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि कोई विषय उठाता तो मैं समझता कि 2002 की गोधरा की कोई बात आप करते उसका हम जवाब दें, लेकिन आपकी तरफ से और इस प्रकार की चर्चा और इतनी लंबी उस पर जा रही है 11 साल पहले की चर्चा, तो उसके साथ में अगर या तो साबिर अली साहब ने कहा सेक्युलरिज्म पर आप डिबेट बुलाइए, मिलकर के चर्चा करेंगे, चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, और गोधरा की बात करते हैं तो 84 के दंगों की बात भी हम करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारी बातें खुल करके, लेकिन इस तरह से बातों को घुमा करके
पूरी चर्चा को अगर हम एक अलग दिशा पर ले जाएंगे तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नहीं, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु शकील अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता को यहाँ पर आना था। नमोनाइटिस का जो उन्होंने जिक्र किया है, जिस तरह के ट्वीट उन्होंने लिए थे, उस पर सफाई देनी थी, आपसे उनके आमने सामने बहस होनी थी, लेकिन हम दर्शकों के सामने साफ कर दें कि अंतिम वक्त पर वो नहीं आए हैं। तो अब आप शायद वस्तु स्थिति और हकीकत समझ गए होंगे, कांग्रेस के नेता अंतिम वक्त पर नहीं आए। कोई बात नहीं, और मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि जो दो किसी भी बात के मुझे लग रहा है कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यहां साफ करना चाहूंगा कि जो दोनों खबरें हमने बताई है, आडवाणी जी के गोवा जाने के या न जाने के फैसले के ऊपर क्या होता है ये, और दूसरा सुषमा स्वराज ने क्या कम्युनिकेट किया है, क्योंकि सुषमा स्वराज आखिरी वक्त तक लगी रही लालकृष्ण आडवाणी जी को मनाने में कि आप गोवा चले चलिए। सुषमा स्वराज जी इसीलिए गोवा लेट भी पहुंची, देर से पहुंची वो, इसीलिए पदाधिकारियों की बैठक थोड़ा देर से शुरू हो पाई। जो दोनों खबरें हमने बताई हैं वो पुख्ता है, हमारे सूत्रों पर आधारित है, और ये अधिकार है कैप्टन अभिमन्यु जी का कि वो इन खबरों को बिना वो उनका अधिकार है कैप्टन अभिमन्यु जी का कि वो इन खबरों को नकार सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है श्रवण जी, आपको लगता है कि बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी? निश्चित रूप से इसमें जसवंत सिंह बीमार पड़ गए हैं, उमा भारती बीमार पड़ गई हैं, आडवाणी जी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से नहीं आना चाहते, या आना भी चाहते हैं तो आज नहीं पहुंचे, रविशंकर प्रसाद श्रीलंका में हैं, वरुण गांधी नहीं हैं, तो कुछ न कुछ मामला जरूर है जिस पर की बातचीत होनी चाहिए थी, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अगर टालना चाहते हैं, बहस में नहीं लाना चाहते, देश को नहीं बताना चाहते, तो ये उनका डिस्क्रिशन है। पर कोई बात जरूर है कि ये सारे नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी उनमें शामिल हैं, ये लोग दूरियां क्यों बना के रखना चाहते हैं? एक ऐसे समय जब गोवा में देश के भविष्य का फैसला होने वाला है, सारे नेता वहां जुटे हुए हैं, 300 के करीब आज वहां पदाधिकारी मौजूद थे, और भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, उस समय एक बड़े समूह की अनुपस्थिति देश में अगर शंकाएं उत्पन्न करती है तो कैप्टन अभिमन्यु सिंह को उसका जवाब देना चाहिए, लोगों की शंकाओं का समाधान करना चाहिए। आडवाणी जी 85 साल के हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में हमारी चिंता स्वाभाविक है, पर जसवंत सिंह 75 साल के हैं, उनके बारे में भी हमको क्या सोचें हम, और उमा भारती के स्वास्थ्य के बारे में हम क्या सोचें, रविशंकर प्रसाद के बारे में क्या सोचें, वरुण गांधी के बारे में क्या सोचें? श्रवण जी, जी श्रवण जी, मुझे खुद बुखार है, बोलिए कैप्टन साहब, बोलिए। फिर भी आपके चैनल पर हूँ, मौसम, मैं दीपक जी बता रहा हूँ कि मुझे खुद दो दिन से बुखार है, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ आपके साथ इस चैनल पर, कल भी मैं आपके साथ दूसरे चैनल पर था, आज भी हूँ। तो और जहां तक हम स्पष्ट सब एक एक कार्यकर्ता के बारे में, नेता के बारे में जो नहीं आया, मीडिया की सभी अटकलों को खारिज करते हुए हमने स्पष्ट तौर पर बताया है, हमने कोई छिपाने की कोशिश नहीं की। वरुण गांधी जी पेरिस में अपने परिवार के साथ में है, रविशंकर प्रसाद जी एक डेलीगेशन के साथ श्रीलंका गए हुए हैं, तो इस सारी आप उन बातों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, और जहां 350 लोग में अगर कोई नहीं आ पाए स्वास्थ्य के कारण, किसी भी कारण से, ये सामान्य सी बात है, ठीक है, आप उसको जोड़ करके देखना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ये अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता का मैं सम्मान करता हूं, और मैं बड़ी बार बार अपनी पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको कह रहा हूं कि श्रद्धेय आडवाणी जी अस्वस्थता के कारण नहीं आ पा रहे, माननीय सुषमा स्वराज जी बिल्कुल ठीक शेड्यूल फ्लाइट से सुबह हम सब एक ही फ्लाइट में साथ थे, उसमें हमारे साथ चल करके आई है, वो कार्य आज की बैठक में लेट नहीं आई है, समय से पहले आई है, तो आपने भी चैनल पर बताया कि वो लेट पहुंची है, तो कहीं ना कहीं कोई गलत जानकारी सूचना आपको मिल रही है, ऐसा कतई
सही नहीं है। चलिए सही नहीं है, सीधे चलते हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के पास जो गोवा से हमारे पास साथ जुड़ गए। यतेंद्र, आडवाणी जी के आने के बारे में क्या खबर है? देखिए अभी आडवाणी जी के ऐसे सूत्र बता रहे हैं और यही है कि उनको आज डॉक्टर ने आने से मना किया था, स्वास्थ्य संबंधी जो उनके खराब होने की खबरें आई थी। और अब अभी भी वो कल जो बात आ रही है, कल उनको 10 बजे निकलना है, लेकिन एक बार पहले वो डॉक्टर से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ही वो आने के बारे में फैसला करेंगे। यानी डॉक्टर की सलाह की वो बात कर रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही वो मीटिंग में आने या ना आने का फैसला करेंगे। फिलहाल ये खबर मिल रही है। बिल्कुल, और आपने हमें बताया था कि सुषमा स्वराज जी आज कुछ देर से बैठक में पहुंच पाई, ऐसा कुछ था क्या? देखिए बिल्कुल, सुषमा स्वराज 1:30 बजे गोवा पहुंच गई थी और मीटिंग का समय 3 बजे था। यानी कि अगर मीटिंग 3 बजे थी तो वो 2:45 बजे तक उन्हें मीटिंग स्थल पर पहुंचना था, लेकिन वो करीब 4:10 या 12 मिनट के आसपास मीटिंग में पहुंची थी, जिसकी वजह से मीटिंग 4:15 बजे के बाद शुरू हो पाई। उनका इंतजार किया गया और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही था कि आडवाणी के न आने की वजह से वो नाराज थी और उनका मानना था कि जो पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह या दूसरे बड़े नेता, उनको आडवाणी को मनाने का काम करना चाहिए था, लेकिन पार्टी के नेताओं के द्वारा वो उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से वो नाराज थी। बाद में अरुण जेटली उनके पास गए और उनको साथ लेकर आए, जिसकी वजह से अमूमन जो मीटिंग समय से शुरू होनी चाहिए थी वो 1.25 घंटे देरी से शुरू हुई, 4:15 या 4:30 बजे के लगभग मीटिंग औपचारिक रूप से शुरू हो पाई थी। चलिए कैप्टन अभिमन्यु, कुछ कहना चाहेंगे इस जानकारी पर? दीपक जी, मैं पूरे समय में वहीं था और मुझे हैरानी है, इस प्रकार के स्पष्टीकरण देने पड़ रहे हैं। फ्लाइट से आने के बाद पूरी व्यवस्था में कुछ देरी थी, कुछ तो कार्यकर्ताओं के भोजन में भी कुछ देरी थी, उसके कारण से मीटिंग का समय 4 बजे कर दिया गया था। 4 बजे के भी वो 15 मिनट बाद शुरू हो पाई, उसका कारण केवल मात्र व्यवस्था था और उसी वजह से लगातार 4 घंटे बिना ब्रेक के उसके बाद वो बैठक चली। सामान्यतः हर 1.5 घंटे बाद हम ब्रेक लेते हैं, 4 घंटे लगातार, और वहां माननीय सुषमा जी पूरी उस बैठक में मंच के ऊपर लगातार कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देती रही, उनके सुझाव सुनती रही है। तो ये बिल्कुल, ये बातें जो है ये कोई मायने नहीं है इन बातों के, आप अर्थ के अनर्थ निकालने के प्रयास हो रहे हैं, बड़े प्रयास पूर्वक अनर्थ बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए ठीक है, एक एक साउंड बाइट सुनवाते हैं हम। ये साउंड बाइट है गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ का, उनका अपना एक सुझाव है, उनके सुझाव पे हमारे पैनल की क्या प्रतिक्रिया है ये हम देखते हैं, क्योंकि ये सुझाव भी गोवा में उठ रहा है कि सिर्फ नमो नमो ना किया जाए, एक नया फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ा जाए। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा ये मानना है कि देश की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों में बीजेपी की भी आवश्यकता है, एनडीए की भी आवश्यकता है, उसमें आडवाणी जी की भी आवश्यकता है, मोदी जी की भी आवश्यकता है। अच्छा होगा जैसे 1990 के दशक में अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी ने राजनीतिक अस्थिरता के दौर से देश को उभारा था, देश को विकास की ओर उन्मुख किया था। आज वही स्थान आडवाणी जी और मोदी जी के रूप में बढ़े, वही चीज आगे बढ़े, तो भाजपा के भी हित में होगा, एनडीए के हित में भी होगा, देश के हित में भी होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे आदित्यनाथ का विचार जानना चाहता हूँ, अगर उनका उनको व्यक्तिगत तौर पे चूज करना पड़े। मैंने कहा ना, हमने कह दिया ना कि अटल जी और आडवाणी जी की जो जोड़ी थी आज वो आडवाणी जी और मोदी जी की जोड़ी बननी चाहिए। तो व्यक्तिगत तौर पे आप किसको प्रीफर करेंगे, मतलब किसी को मैंने करना नहीं। मैंने कह दिया ना भाई, आडवाणी जी स्वाभाविक रूप से अटल जी का स्थान लेंगे। तो एक नया फॉर्मूला, अटल आडवाणी की जगह आडवाणी और मोदी। सीधे चलते हैं शाबिर अली साहब के पास। शाबिर अली साहब, ये प्रस्ताव तो आपको मंजूर होगा? देखिए ऐसा है, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है दीपक जी, और उनको अपना फैसला है, और बीजेपी इस देश के सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है और उसको नकारा नहीं है। ये तो बीजेपी को फैसला करना है कि आगे कैसे लीड लेना है, लीडर वही है,
हम उनके घटक दल जरूर हैं, लेकिन हमारी पार्टी उनके बनिस्बत छोटी पार्टी है, इसलिए उनके पार्टी में मैं कोई हस्तक्षेप करूं, मैं सजेशन दूं या मैं उस तरह की शर्त रखूं जो जायज नहीं है, हमारी पार्टी का क्या मन है, क्या विचार है, क्या विचारधारा है, क्या सोचते हैं, हमारा अपने पार्टी का एजेंडा है वो हम अपने पार्टी के अंदर तय करते हैं। मैं कैप्टन अभिमन्यु जी को मैं सलाह दूं और बीजेपी को सलाह दूं, चलिए सवनकर जी, ये ठीक मेरे तरफ से नहीं होगा और देश की जनता भी इस तरह की बातों को पसंद नहीं करती। हमारी अपनी पार्टी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो अपना तय करेगी, वहां बहुत सक्षम लोग हैं। अडवाणी जी वो है जो बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं अटल जी के साथ मिलकर। दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर क्या लगता है ये फॉर्मूला सत्ता में लाना आसान काम नहीं होता है। वो श्रवण जी लगता है ये फॉर्मूला चल पाएगा आज के हालात में? नहीं नहीं नहीं, ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए इसमें देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, आज उसी पार्टी को अपने अंदर के विपक्ष के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है। मतलब जो विपक्षी पार्टी है उसको आज उसके अंदर जो विपक्ष खड़ा हो गया है उससे जूझ रही है। दूसरी बात यह है कि अटल जी और आडवाणी जी की जो जोड़ी थी वो जिस संघर्ष में से निकली है देश के, आप जानते हैं उस संघर्ष को, आपातकाल के खिलाफ जो लड़ाई थी उस संघर्ष को आप जानते हैं, जिस तरह के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और जिस तरह का नेतृत्व उन्होंने दिया विपक्ष को उसको जानते हैं। तो निश्चित रूप से ना तो आडवाणी जी अटल जी का स्थान ले सकते हैं और न ही मोदी जी आडवाणी जी का स्थान ले सकते हैं। ये कोई खोखो का खेल नहीं है कि एक आदमी उठ गया उसकी जगह। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है श्रवण जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। लास्ट कमेंट कैप्टन अभिमन्यु जी से। कैप्टन अभिमन्यु जी, क्या ये चल सकता है कि आडवाणी नेतृत्व तो करे और मोदी कैंपेन? देखिए योगी जी की निजी राय है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और मैं दूसरी बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जब कार्य करता है वो सत्य आडवाणी जी का वरदहस्त और मार्गदर्शन हमेशा उसको मिलता रहा है, हमेशा उसको मिलता रहेगा। सदैव आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति में एक राजऋषि की भूमिका में है। कोई भी सरकार होगी जी के मार्गदर्शन में, उनके वरद हस्त में ये सारी सरकारें काम करती है, पूरी पार्टी काम करती है और आगे भी करेंगे। नहीं नहीं, तो फिर आडवाणी जी को पीएम डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए सवाल पीएम का नहीं है, हमने बड़ा स्पष्ट कहा है भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के सिद्धांत पर काम करती है। वो सरकार की व्यवस्था एक अलग है कि उसमें कौन प्रधानमंत्री कौन क्या मंत्री होगा। पार्टी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी बड़ी है और श्रद्धेय आडवाणी जी पार्टी के हमारे पितृ पुरुष है। हमारा मार्गदर्शन वरदस्त हमेशा उन्होंने दिया है और हमें इस बात पर गर्व और फख्र है कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई दुविधा नहीं हम लोगों को। चलिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोवा में बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उसकी पल पल की अपडेट हम आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि परिवार के अंदर जो बर्तनों की टकराहट है वो अभी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।